सेकेंड बेबी हुआ है तो उसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा मतलब 6 महीने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ। अच्छा, बेबी कब हुआ है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशनी है, मैं नोएडा से हूँ। पिछले कई मंथ से मेरे को हेयर लॉस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक में मैम से कंसल्ट करने आई हूँ। हेलो रोशनी। हेलो मैम, कैसे हो? मस्त ठीक हूँ मैम। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम, पिछले कुछ मंथ से मेरे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है और बहुत ज़्यादा थिनिंग आ गई है हेयर पे, और देखिए बहुत ज़्यादा। कितने समय से हो रहा है ये प्रॉब्लम रोशनी? ये 6 मंथ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले से थोड़ा कम था, बट अभी मेरा सेकेंड बेबी हुआ है तो उसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा मतलब 6 मंथ के बाद मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस। अच्छा, बेबी कब हुआ है? बेबी 1.5 मंथ ईयर की। ओके, हेयर थिनिंग उसके 5-6 मंथ्स के बाद से ज़्यादा स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट 1 ईयर से आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट कराया पहले? नहीं मैम, एक बार मैंने आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ ली थी, बट इतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। ओके ओके, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप ले चुके हो? कभी कोई PRP कराई हो? नहीं नहीं। या कोई मेडिसिन खाए हो, मल्टीविटामिंस, आयरन टैबलेट्स, कभी कुछ नहीं लिया? आयरन टैबलेट्स तो आफ्टर डिलीवरी लेते ही हैं 6 मंथ तक। ओके, वो तो ली थी, उससे ऐसा कुछ इफेक्ट आया नहीं। नेल्स दिखाएं आपके? आईज ऐसे करो, ठीक है। तो रोशनी, अभी देखो जनरली प्रेगनेंसी के बाद, जैसे आप सेकेंड प्रेगनेंसी है ये आपकी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद भी प्रॉब्लम आई थी ये? हाँ आई थी, थोड़ा बहुत आई थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा हो। अच्छा, सेकेंड प्रेगनेंसी पे ज़्यादा प्रॉब्लम है? कोई और प्रॉब्लम है? थायराइड, PCOD वगैरह कुछ, कोई कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया? ठीक है, बट उसके बाद हेयर लॉस ज़्यादा स्टार्ट हो गया। पहले हेयर फॉल ज़्यादा होता था और अब हेयर थिनिंग, बाल्डनेस भी दिखने लगी, थोड़ा स्कैल्प विजिबल हो गया आपका। ठीक है, तो देखो जनरली ना प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम आती ही है जनरली फीमेल्स को, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि खाने पीने से, आयरन टैबलेट्स वगैरह लेने से, कैल्शियम लेने से, और किसी के हार्मोन्स बहुत अच्छे, मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव होता है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम जनरली लोगों को नहीं आती है या फिर धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बट समहाउ आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो थिनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे आपके। उसके पहले मैं आपका एक बार स्कैल्प एनालिसिस कर लूँगी कि किस तरीके का क्या कंडीशन है आपके स्कैल्प में, आपका जो है वो रूट्स किस तरीके से, थिनिंग वगैरह कितनी क्या हो रही है, रूट्स कैसे हैं आपके, एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, तो वो हम एनालिसिस आपका कर लेंगे अभी। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे फॉर एटलीस्ट अबाउट 5-6 मंथ्स। ठीक है, जो हम मेडिकेशंस आपके चलाएंगे, प्लस आपको PRP के सेशंस लेने पड़ेंगे। PRP के बारे में कुछ जानते हो आप? नहीं मैम। ओके, देखो PRP मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक है, जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है, समथिंग अराउंड 20 ml, 20 ml ब्लड लेके उसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिसमें से प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, समथिंग अराउंड 10-11 ml आपका प्लाज्मा बनता है, और वही प्लाज्मा जो है स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आपके केस में मैं प्लाज्मा के साथ साथ डर्मा रोलर भी यूज़ करूँगी, जिससे आपका स्कैल्प का जो है मसाज टाइप का भी हो जाएगा, एक ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे कि और अच्छे से थिकनेस आ जाएगी और डेंसिटी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। कोशिश यही करेंगे कि अच्छी खासी डेंसिटी इम्प्रूव हो जाए, बट जब रूट्स इनएक्टिव हो जाएंगे आपके, डेड हो चुके होंगे, वहाँ से हेयर नहीं आएंगे। तो मैं आपको अभी यही चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि एटलीस्ट 50% जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो दिखेगा। ठीक है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रही हूँ। क्योंकि देखो हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो कि मैं बहुत क्लियरली बता, एक कोई फॉल्स प्रोमिसज़ नहीं करना चाहती मैं आपसे। ठीक है, जो क्लियर है वो है कि जितना इम्प्रूवमेंट आ सकता है उतना हम अपना बेस्ट करेंगे, और उतना बेस्ट आपको भी मुझे देना पड़ेगा। कि अगर मैं मेडिकेशंस आपको दे रही हूँ, मिनोक्सिडिल वगैरह लगाने के लिए दे रही हूँ, तो वो आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसको लगाना और टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेने के लिए आना है, ये आपके साइड से होगा। ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, मेडिसिन कब क्या चेंज करनी है, वो मेरे साइड से है, दैट आई विल लुक आफ्टर। ठीक है, तो फर्स्ट हम आपका PRP का सेशन करेंगे डर्मा रोलर के साथ। एवरी 10 डेज में आपको डर्मा रोलर जो है वो कराना होगा। ठीक है, एवरी 10 डेज में आपको विजिट करना होगा मेरे पास। PRP मंथ में एक बार होगी आपकी, और एटलीस्ट
पीआरपी ख़त्म होने के बाद भी आपको मेडिकेशंस कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स. 6 मंथ्स के बाद जो मेडिकेशंस हैं मैं ऑल्टरनेट डेज करवा के और 7 to 8 मंथ्स में आपकी मेडिकेशंस बंद करवा दूंगी. ठीक है, फिर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होगी. पीआरपी के सिको सिर्फ मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत होगी जो कि आप 4 से 5 महीने में एक सेशन करा लोगे तो मेंटेन रहेगा आपका. और पूरा प्रोसेस में लगभग 1 ईयर लगेगा. हाँ, ये मान के चलो आप अप्रॉक्स 1. अगर हमको ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आफ्टर 3 months 4 months, जो कि मतलब जनरली तो आता ही है इम्प्रूवमेंट, बट इन केस अगर आपका केस अलग है, आपकी बॉडी टाइप अलग है, आपका अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, तब इन उस केस में हम आपका ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं. ठीक है, बट वो अभी तो उस बारे में नहीं सोचते हैं. पहले हम यही करते हैं कि पहले हम प्रिवेंटिव पे ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, कि क्यों हम सर्जरी के लिए ऑप्ट करें पहले से ही. पहले हम पीआरपी करते हैं. काफ़ी अच्छा, काफ़ी फीमेल्स हैं जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है पीआरपी और डर्मा रोलर और मेडिकेशन से, तो होप करती हूँ कि आपको भी बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा उसका. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो. नहीं नहीं, सब क्लियर है. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आपका पीआरपी. सेंड कर लिया है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे पीआरपी फर्स्ट में पीआरपी थेरेपी करवानी है, तो मैं जस्ट ब्लड देने जा रही हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होगा.